तो दोस्तों, क्या आप भी यूज़ करते हैं चाइना के वो ऐप्स जो कि अभी हाल ही में इंडिया में बैन हो चुके हैं, और अब आप ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनकी जगह कौन से ऐप्स को यूज़ किया जाए? तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में हमने आपको चाइना के कुछ चुनिंदा ऐप्स के अल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में बता रखा है। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, DU बैटरी सेवर। अब आप में से बहुत सारे लोग इन ऐप्स का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे अपनी बैटरी को बचाने के लिए, मगर मैं आपको बता दूं कि ये ऐप्स सिर्फ आपके बैकग्राउंड में रनिंग जितने भी ऐप्स होते हैं उन्हें बंद करके आपकी बैटरी को सेव करते हैं, और वो भी बहुत ही लो लेवल पे। और ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और वैसे भी आजकल आपके डिवाइस में अलग अलग तरह के बैटरी सेविंग मोड आते, तो आपको इन तरीके की एप्लीकेशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप इस तरह के कोई भी ऐप्स को ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। नंबर 9, यूसी ब्राउज़र। अब आप में से बहुत सारे लोग यूसी ब्राउज़र का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये बहुत से मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आप इन ऐप्स की जगह यूज़ कर सकते हैं गूगल का क्रोम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। आपको इसमें सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र जो कि मोज़िला की तरफ से है। नंबर 8, क्लीन मास्टर। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लीन मास्टर का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, पर आज के इस दौर में हमें इन ऐप्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऐप्स है ये जंक फाइल को रिमूव करते हैं। लेकिन आजकल के इस दौर में हमारे मोबाइल पे पहले से ही प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप्स आते हैं जो इनका काम पूरा कर सकते हैं। नंबर 7, ES फाइल एक्सप्लोरर। अब ये एक बहुत ही अच्छा ऐप था, लेकिन अब जब ये नहीं है तो इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं फाइल्स बाय गूगल, और ये भी बहुत अच्छा ऐप है आपकी फाइल्स को मैनेज करने के लिए। नंबर 6, DU स्क्रीन रिकॉर्डर। अब ये जो ऐप है ये अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के यूज़ में आता है, लेकिन आजकल के जितने भी स्मार्टफोन से उसमें अभी में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, मगर फिर भी अगर आपके इसमें ये नहीं हो तो आप यूज़ कर सकते हैं मोबीजन स्क्रीन रिकॉर्डर, और ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। इसके साथ साथ आप इसमें वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। नंबर 5, क्लैश ऑफ किंग्स एंड मोबाइल लेजेंड्स। अब ये जो दो गेम है ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद थे, तो मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्ले स्टोर में बहुत सारे इसी तरह के गेम्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में कोई भी पर्टिकुलर गेम्स को टारगेट नहीं करूँगा, इसलिए आप प्ले स्टोर में जाइए और आप ऐसे ही गेम्स बहुत सारे खेल सकते हैं। नंबर 4, ब्यूटी प्लस। अब आप में से बहुत सारे लोग ब्यूटी प्लस को तो ज़रूर यूज़ करते ही होंगे, जो कि हमारी खूबसूरती को और ज़्यादा निखार देती है, तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं स्नैपचैट, जो कि एक बहुत अच्छा ऐप है। आप इसमें तरह तरह के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो जाइए इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। नंबर 3, एग्जेंडर एंड शेयर इट। अब ये जो दो ऐप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप्स है हमारे लिए, क्योंकि इससे ही हम अपनी मोबाइल का जो डाटा था एक दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब जब ये नहीं रहता हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं अपना खुद का मेड इन इंडिया जियो का स्विच ऐप, जियो स्विच, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हूबहू उसी की तरह काम करता है। नंबर 2, कैम स्कैनर। अब ये जो ऐप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप था हमारे लिए, कि हम इससे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सब स्कैन कर सकते थे, लेकिन अब जब ये ऐप नहीं है तो अब आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एडोबी स्कैनर, और अगर इससे भी काम ना बने तो आप यूज़ कर सकते हो कागज़ स्कैनर। ये दोनों ही ऐप्स बहुत ही बढ़िया ऐप्स है, तो जाइए इसे यूज़ करिए। नंबर 1, टिकटॉक। अब ये जो ऐप है ये बहुत ही लोकप्रिय ऐप रहा है, लेकिन मेरी मानो तो आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फुल वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप यूट्यूब पे आ सकते हो, मगर फिर भी आपको यूट्यूब के अलावा ऐसे ही कुछ ऐप्स चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो शेयर चैट। अब इस ऐप में आपको बिल्कुल टिकटॉक जैसे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए।